कहा, देश के बहुत से विद्वानों ने विरोध किया था, दुनिया के कई देशों ने कहा था, फिर भी जवाहरलाल नेहरू ने यह गलती की और करीब 10 सालों तक यह सारी सप्लाई चीन को होती रही। चीन ने उसी सप्लाई के आधार पर उस दुर्गम क्षेत्र में सड़क बनाई और उसी सड़क से भारत के ऊपर अटैक किया, तब हमारे प्रधानमंत्री को पता चला कि कितनी बड़ी गलती हुई है। इस पूरे आज के प्रकरण में चार हिस्सों में कविता हमारे साथ रखेंगे राधे। राधे जी, हमारा देश दो प्रकार की संस्कृतियों में जीता है, एक युद्ध और दूसरी बुद्ध। बुद्ध की नीति हमने तब अपनाई थी, आज जरूरत है हमें युद्ध की नीति का। आज समस्या ये है कि हम युवाओं पर भरोसा नहीं दिखाना चाहते। चार पंक्तियां देता हूं कि हिंदी चीनी भाई भाई देते ही रहे दुहाई, अब जय हिंद वाला घोष तो लगाइए। कि हिंदी चीनी भाई भाई देते ही रहे दुहाई, अब जय हिंद वाला घोष तो लगाइए। कुत्ते भोंकना स्वतः बंद कर देंगे मित्र, आप शेर जैसा एक बार शेर सा दहाड़ के बताइए। तो सीमा के विवाद सारे चाहो सुलझाना यदि, सीमा के विवाद सारे चाहो सुलझाना यदि, देश के युवाओं पे भरोसा तो जताइए। असारी रोब अकड़े ठिकाने लग जाएगी जी, चाइनीज माल पर बैन तो कराइए, चाइनीज माल प्रतिबंध तो कराइए। बिल्कुल, उपाय की दिशा में हम इन मुद्दों पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन कुछ कॉलर हमारे साथ जुड़े हैं, उनके पास चलते हैं, सुनते हैं उनकी राय। नमस्कार। हेलो, नमस्कार सुरेश जी, एक मिनट का टाइम दे दिए मैं कहूँ सुरेश जी। मैं कह दूँ कि आपका चैनल के अलावा छोड़ के एक चैनल सुबह ही आज कह रहा था कि हम 50% तैयारी कर ली है, हम बहुत आगे बढ़ गए हैं, लेकिन आपने 50% तैयारी की है, लेकिन चाइना ने तो 150% तैयारी की है। आप कहाँ तैयारी किए आप? दो युद्ध के, और दूसरी बात ये कम्युनिस्ट, ये समाजवादी नीति वाले लोग रहो तो कम्युनिस्ट वाले लोग है ना, देश को आगे नहीं बढ़ने देंगे। और अभी भी हमने कुछ नहीं सीखा, जितना हमारे पास रक्षा विशेषज्ञ का हथियार है वो बहुत पुराना हथियार है, और क्या प्रधान कब चल रही लड़ी जाती है उसके साथ दूसरा भी हथियार चाहिए, क्योंकि हमारी सरकार उसे बहुत पीछे है। और ये नहीं समझना चाहिए कि चाइना युद्ध नहीं करेगा, चाइना युद्ध जरूर करेगा, और 62वां मुखी खाई है वैसे ही मुखी हमको खानी पड़ेगी। और हमारा प्रधानमंत्री तो जवाहरलाल नेहरू से भी कमजोर प्रधानमंत्री अभी। बिल्कुल, धन्यवाद। अगले कॉलर से बात करते हैं, आप भी कॉल कर सकते हैं, अपनी बात को रख सकते हैं। नमस्कार सर, बोलिए। मैं जोगीराम नायक बोना गांव हरियाणा से बोल रहा हूँ सर। हाँ, चीन तैयारी तो हम कर रहे हैं सर, क्योंकि सारा सामान जो चीन का है हम खरीदते हैं, तो हम पैसा भेजते हैं वहां सामान के जरिए चीन के पास। बिल्कुल, और हमारी जो सरकार है बिल्कुल आंख मूंदे हुए, उस हमारे यहाँ सप्लाई हो रहा है सारा चीन का सामान, जो बिल्कुल किसी काम का भी नहीं है, खेल खिलौने चाहिए और भी कई प्रकार के सामान है, लेकिन जिसके मुकाबले में हमें खड़ा होना चाहिए, हमारा खर्चा बचाना चाहिए, हमें उसके पड़ोसी के अगर बराबर खड़ा होना है तो हमने अपने को मजबूत बनाना चाहिए। ये तो घर को लूट के घर को कमजोर कर रहे हैं, ये सरकार क्या उनसे रण में लड़ेगी, जो देश को खोखला कर दिया इस सरकार ने। धन्यवाद जोगीराम जी। हाँ, यहाँ पर मैं जानकारी देना चाहूँगा कि भारत में आध्यात्मिक जितने भी त्यौहार होते हैं, वो गणेश उत्सव हो या अभी चल रहा नवरात्र या दुर्गा पूजा, उस पर पूजा में रखी जाने वाली सुंदर सी दिखने वाली जो मूर्ति होती है वो भी चाइना से इंपोर्ट होती है। हमें देवी का वो सुंदर सा पवित्र चेहरा दिखता है, लेकिन उसके पीछे का चाइना का क्रूर चेहरा हम नहीं समझ रहे हैं। और एक कॉलर से बात करते हैं। सर नमस्कार, मैं केडी पांडे झांसी से बोल रहा हूँ। बोलिए। मैं सर ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्क्रीन पर आप कारण सर दिखा रहे हैं, ये तो कारण थे ही जो थे युद्ध के, लेकिन उन्हें सबसे बड़ा कारण ये था सर कि हम पंचशील बताया, हमने अपने आप को हिंदी चीनी भाई भाई बताया, जब चावल लाई यहाँ आया 1962 में दौरे पर, तो उसको हमने अपनी आर्डिनेंस फैक्ट्री को दिखा दिया और हमने बताया कि हम रबर की गोलियां बनाते हैं, बारूद की गोलियां नहीं बनाते हैं, हम सफेद झंडा और सफेद कबूतर उड़ाते हैं, जिसको उसने जा करके गलत समझा और हमारी कमजोरी समझा। वहां हमारी कोई रोड्स नहीं थी, हमारे यहाँ उसने सब देख लिया आकर के कि ये बिल्कुल असहाय व्यक्ति हैं और हिंदुस्तान कुछ कर नहीं सकता, उसने हमारे ऊपर जाकर के 2.5 महीने बाद सर हमला कर दिया।
और अपने आप हमारी हजारों किलोमीटर की जमीन को हड़प लिया और छोड़ दिया मानसरोवर, छोड़ दिया आधा कश्मीर और माँ का सिंदूर बेच रहे हैं, बेचकर हम आज अपना जमीर। हम ये नहीं समझ पा रहे हैं कि चाइना का प्रधानमंत्री अभी आया दिल्ली और वो जा करके हमारे नेताओं की, हमारे प्रधानमंत्री की, हमारे राष्ट्रपिता की शहीद पर गया नहीं। इसका मतलब क्या हो सकता है? इसका मतलब सिर्फ यही है कि वो हमारी 1962 की हार को आज भी अपने जहन में कुरेद रहा है और हमसे जबरदस्ती छद्मवेश में आके हमसे पॉलिसी में बात करना चाहता, जिसे हम नहीं समझ पा रहे हैं, सरकार नहीं समझ पा रही है और इसे समझना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल आपने सही कहा, धन्यवाद। अभी भी चीन के साथ हमारे व्यवहार कैसे है, हम खुद नीचे और चीन ऊपर, हम स्वीकार करके ही चलते हैं। क्या आप जानते हैं कि तब भी ऐसी स्थिति आई थी जब संयुक्त राष्ट्र संघ ने पंडित जवाहरलाल नेहरू को कहा था कि सुरक्षा परिषद में एक सीट खाली है और वहां पर भारत अगर आता है तो हम चाहते हैं और आप अपनी दावेदारी पेश करें तो आप सुरक्षा परिषद के सदस्य बनेंगे। लेकिन पंडित जवाहरलाल नेहरू ने तब कहा कि हमारे क्षेत्र से चाइना पहले नैसर्गिक अधिकारी है, आप उनको बनाइए। तब चाइना वहां जाके बैठा और तब से लेकर अब तक भारत ने कई तरह जंग जंग पछाड़ा, लेकिन हम सुरक्षा परिषद के सदस्य, स्थायी सदस्य नहीं बन पाए। जो बात अभी हमारे कॉलर ने कही कि तब के जो चाइना के प्रमुख हमारे देश में आए थे और हमने उनका कैसे स्वागत किया और फिर भी क्या हुआ, एक फिल्म इसको बड़े अच्छे अंदाज में बताती है, इसको देखते हैं। एक दोस्त ने बगलगीर होकर छुरा भोंका, ये जब मेहमान बनकर हमारे देश में आया था तो हमने इसे सर आंखों पर बिठाया। वो जिस रास्ते से गुजरा हमने उसकी जय जयकार पुकारी, हर शहर, हर महफिल, हर जलसे में उसकी इज्जत की, हर लीडर, हर कलाकार ने उसके आने की खुशी में जश्न मनाया। हम खुश हुए ये देखकर कि उसने एक शांति के देवता की समाधि पर फूल चढ़ाए। उसको हमने इतनी इज्जत दी कि अपने नौजवानों को उसके हाथों से इनाम दिलवाए। आज उन्हीं नौजवानों का खून बहाने के लिए उसने अपनी फौजें भेजी। एक दोस्त ने ऐसा किया और चंद लम्हे, कुछ पल के लिए हम ठिटक कर रह गए, लेकिन अब संभले। अगर इस दोस्त ने हमें दुश्मन की तरह ललकारा है तो हम इस अजीब और गरीब ऐलाने जंग को कबूल करते। अब हमारी बदौलत ये दुश्मन कभी चैन की नींद नहीं सो सकेगा। ये हमारा देश, ये बुद्ध, अशोक, गांधी और नेहरू का देश शांति का पुजारी जरूर है लेकिन बुजदिली का कायल नहीं। और अगर दुश्मन दोस्ती के नाम पर आस्तीन का सांप बन गया है तो हम उसके साथ वही सलूक करेंगे जो एक सांप के साथ किया जाता है। यह हमारे सेना के तो बोल थे लेकिन राजनेताओं के बोल ऐसे नहीं थे। यह भी एक बड़ा कारण था कि तब हमारे सेना का मनोबल उतना ऊंचा नहीं हो पाए। कॉलर से बात करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सुरेश जी, बोलिए। हाँ, मैं गुजरात से बोल रहा हूँ सर। पालमपुर दिशा से, मेरा नाम इकबाल अब्दुल्ला। सर मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस वक्त में जो भूल हमारी हो चुकी है कि हमने शिकस्त खाई या नहीं खाई, बराबर है, लेकिन अभी फिलहाल का जमाना जो चल रहा है, हमारे देश के जो नेता है वो अभी आंखें बंद करके, कान के अंदर रूह भिड़ा के और किसी पर भी हम भरोसा कर लेते हैं, किसी भी देश के ऊपर, हमारे पड़ोसी के ऊपर सर, तो इनके ऊपर भरोसा, हम दिल से उनको चाहते हैं लेकिन वो हमारे दुश्मन है, बराबर है, और हम इतनी इज्जत करते हैं उनकी जिसकी कोई हद नहीं है, लेकिन हमारी नेताओं की इज्जत बाहर के देश नहीं करते सर, और उनको यहाँ आते हैं, उनका इस्तीफा अच्छी तरह से किया जाता है, सब कुछ किया जाता है सर, लेकिन आज अभी की सरकार के बारे में आपसे कहना चाहता हूँ कि आधार कार्ड जो बन रहे हैं सर, वो डॉक्यूमेंट कोई गवर्नमेंट, अभी जहाँ भी जिलों के अंदर, राज्यों के अंदर चल रहे, कोई नहीं ले रहा है सर, क्यों? ये इसके अंदर ये बाहर के देशों के लोग आ जाते हैं आजू बाजू से, उनके आधार कार्ड, उनके डॉक्यूमेंट बन जाते, किस आधार पर देती है सरकार, मुझे ये समझ में नहीं आता है। बिल्कुल, और ये ऐसे इसमें इस घुसपैठियों का फायदा चाइना बड़े आराम से लेता है। धन्यवाद कॉल करने के लिए। हमारे साथ कई कॉलर जुड़े हैं, उनकी भी बात सुनते हैं। आप भी कॉल कर सकते हैं और अच्छे और ऐसे अनजान तर्कों से जिसको कि देश ने जानना चाहिए, हमारे दर्शकों को अवगत करा सकते हैं। और एक कॉलर। नमस्कार। नमस्कार साहब, मैं दिल्ली से रामवीर सिंह बोल रहा हूँ। हाँ
मैं ये कहना चाहता हूँ कि आज कोई भी चैनल खोलिए आप, नेताओं के जो घपले उजागर हो रहे हैं उससे इतना मन दुखता है, ये देश की कैसे रक्षा करेंगे? जो आप देखिए सैकड़ों लाखों टन गेहूं सड़ रहा उसको नहीं बचा पाते हैं, हमारा कभी भी जो राजनेता है वो कभी सफल नहीं रहे और सेना कभी विफल नहीं रही। अगर कभी भी इतिहास में सेना को अगर पराजय का सामना करना पड़ा तो उसका एक और एक कारण सिर्फ हमारे राजनेता लोग रहे। बिल्कुल, और चीन युद्ध से तो यही सबक है, लेकिन फिर भी आपके राजनेताओं का वो हौसला नहीं दिख रहा है। हमारे साथ कवि है और उन्होंने आज के इस कार्यक्रम पर बड़ी ही प्रेरक अच्छी कविताएं और अच्छे शब्द लिए हैं, हम बीच बीच में उनको भी लेते रहेंगे। हाँ राधे, इसमें अभी एक शब्द आया कि हमारे सैनिकों में कोई जोश और जज्बे की कमी नहीं थी, कभी भी वो चीनी सैनिकों से कमजोर नहीं थे, कारण था हारने का तो सिर्फ हम अपनों से हार गए राजनेताओं से। तब चार पंक्तियां देता हूं कि सूरा सुंदरी से जिस दिन मोह भंग हुआ राष्ट्रभक्ति चेतना का मान जाग जाएगा, तो सारा विश्व भारती के चरण दबाए और हिंद मेरा विश्व सिरमौर बन जाएगा, तो फिर कोई भेड़िया दिखाए नहीं आंख हमें, तो फिर कोई भेड़िया दिखाए नहीं आंख हमें, शांति समरसता का दौर ऐसा आएगा, राष्ट्रहित बीच यदि आए नहीं राजनीति, राष्ट्रहित बीच यदि आए नहीं राजनीति, बच्चा बच्चा भगत सुभाष बन